जो बोले बाबा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया वेरियस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, तो पूरा डिटेल इस वीडियो में रहेगा किस किस पोस्ट के लिए कितना सीट वैकेंट है और क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी और कैसे आपको पेमेंट करना, पूरी डिटेल इसमें वीडियो में आपको बताऊँगा। चलिए आगे बढ़ते बताया जा रहा है कि यहाँ ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है, ये अधिकारी सूचना पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 594 पोस्ट हैं, 26/4 से स्टार्ट हो चुकी है अप्लाई ऑनलाइन। देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो अशास्त्रीय संख्या विधिक जोखिम प्रबंधक क्रेडिट विश्लेषक क्रेडिट अधिकारी तकनीकी मूल्यांकन आईटी अधिकारी डाटा सेंटर पद के लिए आधिकारिक सूचना जो है जारी की गई है। जो उम्मीदवार इच्छुक हैं आधिकारिक सूचना पढ़े ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए 2 पोस्ट हैं, स्टेटिस्टिशियन के लिए 2 पोस्ट हैं, रिस्क मैनेजर के लिए 2 पोस्ट हैं, क्रेडिट एनालिस्ट के लिए 53 पोस्ट हैं, क्रेडिट ऑफिसर के लिए 484 पोस्ट हैं, टेक्निकल अप्रेजल के लिए 9 पोस्ट हैं, आईटी ऑफिसर डाटा सेंटर के लिए 42 पोस्ट हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या होना चाहिए, 4 साल का अनुभव होना चाहिए और साथ में मास्टर डिग्री स्टेटिस्टिशियन की 4 साल का अनुभव होना चाहिए, सांख्यिकी या अनुगत सांख्यिकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। रिस्क मैनेजर के लिए CA या CFA या CIS व्यावसायिक जोखिम प्रमाण पत्र होना चाहिए, 3 साल का अनुभव होना चाहिए। और क्रेडिट एनालिस्ट के लिए उम्मीदवारों को 10 साल का अनुभव के साथ बीच में PGDM CA या ICTW होना चाहिए। क्रेडिट ऑफिसर के लिए 60% किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ में फाइनेंस बैंकिंग MBA PGDM PGDBA वाणिज्य विज्ञान और शास्त्र मास्टर डिग्री या CA ICTW या CS होना चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर के लिए देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, पावर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मेटलर्जिकल मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, फार्मेसी का होना चाहिए। और देख सकते हैं यहाँ पे 3 साल का अनुभव होना चाहिए। आईटी डाटा सेंटर के लिए 60% अंकों के साथ CSE IT ED ENC MCA MSCC IT में BE या BTEC होना चाहिए और 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं 1/21 से आपका 20 से 35% होना चाहिए। अप्लीकेशन फीस दे सकते हैं, पूरा डिटेल हुआ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरव्यू होगा। यहाँ देख सकते हैं आप पूरा दिया हुआ एग्जामिनेशन सेंटर लखनऊ, दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची, भोपाल, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, हैदराबाद, जम्मू, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, पंजली, शिमला एंड तिरुवनंतपुरम। यहाँ देखें कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरा दिया हुआ डेटा यहाँ पे लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिया हुआ है, नोटिफिकेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जाइए अप्लाई कीजिए और वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए